के साथ बॉबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बॉबी, कैसा है वहाँ का मौसम, विस्तार से जानकारी दें। स्वाति, मौसम आज काफी सही है, धूप निकल आई है, लोगों ने राहत की सांस ली है। काफी ज्यादा ठंड रही पिछले 3-4 दिनों से और बर्फबारी हुई है, यहाँ पे 2-2 फुट तक बर्फबारी हो गई है ऊपर के इलाकों में। लखनवंडी कानपुर के आसपास के जो इलाके हैं ड्रोजी के रास्ते वहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ठंड थी और कल भी सारा दिन मौसम खराब रहा। हालांकि बर्फबारी पिछले कल नहीं हुई पर मौसम काफी ठंडा हो चुका है और फिर भी आज जो है धूप निकली है, उस वजह से काफी ज्यादा राहत की सांस ली है लोगों ने और मौसम थोड़ा सा ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी धूप जो उतनी ज्यादा मतलब धूप ज्यादा खिली नहीं है प्रॉपर पूरी तरह से, पर सूरज जो निकल आया है। जी सर जी बॉबी, जैसा कि कहा जाता है कि पहाड़ी इलाके में बर्फबारी की वजह से फिसलन ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से कोई घटना सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल स्वाति, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और स्लिप जो है काफी ज्यादा होना शुरू हो गया, गाड़ियां जो चल नहीं पा रही हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और लोग इस बार डरे भी हुए, थोड़ा सा सहमे भी हुए और ये ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। शायद इस वजह से भी जो घटना कोई सामने नहीं आई है, लोग काफी ज्यादा जागरूक भी दिख रहे हैं इस बार। जी स्वाति बॉबी, मौसम विभाग का क्या कहना है कि आगे आने वाले दिनों में कब तक मौसम वहां पर सामान्य हो जाएगा, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है और वहां पर पर्यटकों की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए प्रशासन और मौसम विभाग का क्या कहना है मौसम को लेकर और प्रशासन ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं? तो अगले कुछ दिनों में मौसम जो है साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आगे क्रिसमस और न्यू ईयर पे जो है बर्फबारी की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और ये जरूरी भी है बागवानों, किसानों के लिए, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अभी और बर्फबारी की जरूरत है। बर्फबारी उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, फिलहाल गुजारे लायक बर्फबारी तो हुई है लेकिन उस बर्फबारी नहीं हुआ। बर्फ का मौसम पहाड़ों में बर्फ जितनी तंग करती है उतनी जरूरी भी समझी जाती है यहाँ पे, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पानी की दिक्कत हो जाती है, अगर सर्दियों में बर्फ ठीक ठाक पड़ जाए तो गर्मियों में यहाँ पानी की भी दिक्कत नहीं होती है और भी कई तरह की जरूरतें जो है बर्फ से ही पूरी होती है। ये कुदरत की जो चीज है वो ये जरूरी भी कहीं ना कहीं मानी जाती है, लोग कहीं ना कहीं जब जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को ये जरूरी भी है। जी स्वाति जी बॉबी, किसानों और बागवानों का कहना है जैसे कि बारिश उनके लिए एक सौगात लाती है, तो किसानों में कितनी खुशी वो लोग जता रहे हैं? जी किसानों बागवानों की बात की जाए तो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि उन काफी बार ऊपरी इलाके उस नवंबर माह में ही बर्फबारी हो जाती है वहाँ पे, इस बार नवंबर माह में बर्फबारी न होने की वजह से काफी ज्यादा मायूस थे किसान बागवान और दोनों ही ये बर्फबारी और बारिश से पेंड रहते हैं, तो इस बार देर से हुई है बर्फबारी, लेकिन काफी ज्यादा खुश है किसानों ने, तो अपनी कमर कस लिया और खेतों में जाने के लिए जो निचले इलाके हैं जहाँ बारिश ठीक अच्छे से हुई है अब वो अपने किसान जो है खेतों में शुरू हो गए हैं और आज मौसम साफ हुआ है और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं किसान और बागवान जी जो है बागवान भी बर्फबारी से काफी ज्यादा खुश है, वो चाह रहे हैं हालांकि पर्याप्त बर्फबारी अभी नहीं हुई है फिर भी बागवान चाहते हैं कि थोड़ी ज्यादा और बर्फबारी हो जाए। जी स्वाति बॉबी, पहाड़ी इलाके में पानी एक बहुत बड़ी समस्या होती है और क्योंकि वहां पर अभी बर्फबारी हो रही है तो इससे आम जनता को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है पानी को लेकर खासा? पानी एक मूलभूत सुविधा है जिसके बिना गुजारा बहुत मुश्किल है, जो आईपीएच विभाग जो है वो पूरी तरह से फेल रहता है हर साल और हर साल की तरह इस साल भी जो फेल होता नजर आ रहा है, अपने बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं अपना काम करता दिख रहा है। ड्रोजी पर्यटन नगर ड्रोजी शहर की बात की जाए तो बहुत ही गंदे पानी की सप्लाई यहाँ पे हो रही है, इतना गंदा पानी यहाँ पे आ रहा है पीने लायक नहीं है, पीने तो क्या यहाँ कपड़े धोने लायक बर्तन धोने लायक भी पानी नहीं आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है, बहुत ही लापरवाह यहाँ का जो विभाग है वो दिख रहा है और पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बरसात के मौसम में ऐसा हुआ था, हर साल हर मौसम में ऐसा ही होता है, इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है आईपीएच विभाग को और बहुत बुरी हालत है इनकी, अपनी ड्यूटी बिल्कुल ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, एक तो यहाँ तो पानी देते नहीं है, देते हैं तो गंदा पानी देते हैं, यहाँ ऐसा होना चाहिए कि जब बरसात हो कई दिनों बाद तो वो नेचुरल सोर्स होते हैं वो वहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होकर पानी के मेन टैंक में आ जाता है, उसको बंद करने के लिए पूरा फोर्स है यहाँ पे, हालांकि वो इतना पैसा खर्च किया गया है सरकार द्वारा और ये सारा सिस्टम बना हुआ है कि गंदा पानी जो है वो मेन टैंक में ना जाए, लेकिन इतने लापरवाह है यहाँ के जो कर्मचारी हैं आईपीएच विभाग के और अधिकारी जो है इतने लापरवाह है कि वो गंदे पानी को सीधा पानी मेन टैंक में जाने देते हैं, हालांकि 2-4 घंटे या 1 दिन तक उस पानी को मेन टैंक में नहीं जाने देना होता है।
तो ये कुल मिला के देखा है तो आईपीएच विभाग जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है पानी को लेकर लोधी शहर के लिए, और लोगों में कई तरह की बीमारियां, किसी को टाइफाइड, किसी को जल रोग, जितने भी हैं यहाँ पे फैल रहे हैं और ज्यादा फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई है इस पानी की वजह से, हर साल हर मौसम में लगती है, और सर्दियों में मौसम जो है जब ठंडा होता है तब उम्मीद जताई जाती है कि साफ पानी हमें आईपीएच भाग देगा, लेकिन इस बार भी ये पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है आईपीएच विभाग भी। जी स्वाति, बॉबी सीजन की पहली बारिश और इसमें होटल व्यवसायियों का क्या कहना है इस चीज को लेकर, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, लोग आएंगे वहाँ पर, ऐसे में होटल व्यवसायियों को क्या कहना है इस बारे में? जी स्वाति, पर्यटन नगरी डलहौजी में जो पर्यटन व्यवसायी हैं बहुत ज्यादा खुश हैं। ऊपरी इलाके में 2 से 2.5 फीट तक बर्फबारी हो गई है, डलहौजी के ऊपर इलाके सिर्फ 10 किलोमीटर ऊपर जो है वहाँ पे बर्फबारी हुई है 2-2.5 फीट तक, जो की जल्दी मेल्ट होने के चांस नहीं है, जल्दी पिघलती नहीं है ये बर्फ, अगर ऊपर के इलाकों में इस महीने में लोहे की तरह बर्फ जम जाती है एकदम, तो इस वजह से काफी महीने तक यहाँ बर्फ रहेगी और पर्यटक जो है वो पूरी तरह से आने शुरू हो गया है, यहाँ पे होटल जो है बुक होने शुरू हो गया है, काफी ज्यादा पर्यटक यहाँ पे दिखने शुरू हो गया है डलहौजी में, और उम्मीद है कि ये बर्फ जो है जल्दी जो है पिघलती, ऐसे में अगर और बर्फबारी हो जाती है, व्हाइट क्रिसमस हो जाता है, फिर तो सोने पे भागा वाली बात जो है इन पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए हो जाएगी। जी बॉबी, बॉबी बहुत बहुत शुक्रिया।